माना यही जा रहा है। और ये गार्डन रीच के मैनेजमेंट ने भी कहा था कि 2023 में एक और एनजीसी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन कोविड का बड़ा ऑर्डर नेवी की ओर से आता हुआ दिखाई देगा, जिसमें गार्डन रीच ऑफ कोर्स अग्रेसिवली बिड करेगा। तो गार्डन रीच एक टॉपिक, लेकिन मजगांव के हाथ में दोनों शिप्स और सबमरीन बिल्ड करने की क्षमता है, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखना चाहिए। मानस, टेक्निकली एक बार नजर डालिएगा गार्डन रीच पर, मजगांव पर, बताइए आप प्रिफर क्या करेंगे चार्ट्स के आधार पर इन कंपनियों में। देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही स्टॉक में हमने एक शार्प अप को पिछले करीब 5-6 दिनों में देख लिया। लेकिन जहां तक बात ट्रेंड की है, जहां तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की है, मेरा तो समझना है कि कभी भी कोई गिरावट मिले तो गार्डन रीच में तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो करीब 475 से लेकर 495 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी 70-75 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे नहीं, कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तब खरीदारी करनी चाहिए। 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और तब बड़ा टारगेट सेट करिए 475 से 495 का।